Okay students, next topic is 16.14 and the title is Electromagnetic Waves. क्या होती हैं electromagnetic waves? हम बहुत ज़्यादा previous level से 9-10 level से ये बात study करते आ रहे हैं कि waves जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है? तो waves के बारे में हमने basically ये study किया था कि waves जो हैं वो energy को transfer करते हैं, ठीक है? एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना जो है वो हम उसको जो है वो वेव की फॉर्म में कंसिडर करते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ वेव हमारी जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या हो रही होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है. लाइक सन से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है हमारी अर्थ तक, ठीक है, हमारी अर्थ तक जो एनर्जी आ रही होती है सन से, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आ रही होती हैं और उन स्पेशल टाइप की वेव्स को हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास सन के थ्रू जो है वो आ रही होती हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या इन्हें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? लाइक अगर आप जो है वो एक स्टेशनरी ये पाउंड कंसिडर कर लें जिसके अंदर सिर्फ आपने पानी डाला हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है वो वेव्स प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वाटर नहीं होगा तो आगे से आगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे एक स्टोन फेंकते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि स्टोन के थ्रू जो आपने एनर्जी यहाँ पे भेजी है वो आगे इस पॉइंट तक पहुँचे, ठीक है, तो ये कैसे एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाएगी? अगर पानी होगा तो पानी के पार्टिकल्स के थ्रू ही इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एनर्जी यहाँ पे पहुँच पाएगी ना. अगर पानी नहीं है तो एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती. इट मीन्स कि ऐसी वेव्स जो हैं वो हमारे पास वेव्स होती हैं जिनको अपने ट्रांसफ़र के लिए, अपनी प्रोपिगेशन के लिए स्पेसिफिक मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है. अब इसी का बिल्कुल ऑपोजिट केस होता है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो वेव्स जो कि सन से हम तक आ रही होती हैं उनको अपनी प्रोपिगेशन के लिए किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो यहाँ दूर से यहाँ तक जो है वो इजीली आ सकती हैं. तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, यानी इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ मीडियम के, ठीक है, तो इनको हम सिंपली क्या कंसिडर कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है वो नाम देते हैं. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये वेव है, इट मींस कि इनकी नेचर जो है वो वेव टाइप होती है, तो इनकी कुछ ना कुछ जो है वो वेवलेंथ भी होती है जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, इनकी स्पीड भी होती है, और यूजुअली जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये मूव करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, तो इनकी भी जो स्पीड है उसको हम वी से नहीं बल्कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो है वो आपको एक्सप्रेशन लिखना चाहें इनकी स्पीड का, तो वो किसके इक्वल होगा, एफ़ लैम्डा के इक्वलेंट होगा. और इनकी स्पीड भी कितनी होती है, 3.0×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. नाउ द क्वेश्चन इज़ डैट कि हाउ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस, किस तरह से इनको जो है वो हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो उसको जो है वो अब हम सीखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस्ड होंगी. ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 15 की अगर बात करें तो उसमें आपने एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट सीखा था, वो क्या था, वो ये था कि वेन एवर देर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे ही चेंज आता था तो एक EMF जो है वो इंड्यूस होती थी. EMF इंड्यूस होने का मतलब क्या है, सिंपली एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट हो जाना, ठीक है, इट मीन्स कि जैसे ही आपके पास चेंज होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उससे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी. अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक खास स्पेसिफिक रीजन से पास कर रही है तो वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस एरिया से पास कर रही हैं वो एरिया वेरी कर रहा है, इट मींस कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. लाइक इसकी अगर मैं आपको मज़ीद एग्जांपल प्रोवाइड करूं तो वो ये ले लें कि ये आपके पास जो है वो एक हमने एरिया कंसिडर कर लिया कुछ इस तरह का,
ये एरिया मैंने कंसिडर कर लिया जो कि यूनिफॉर्म नहीं है. इट मीन्स कि यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरेंगी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस रीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास ऑन हो रही हैं, यहाँ से कम हो रही हैं. इट मीन्स कि इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अब जब भी चेंज आता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ के मुताबिक ही हमने सीखा था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसके थ्रू अगेन हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोसीड करती हैं. तो उसको हम देखते हैं कि प्रॉपरली कैसे ये वर्किंग हो रही होती है. सो स्टूडेंट्स कंसिडर कर लेते हैं, हम एक स्पेसिफिक टाइप का रीजन ये हमने यहाँ पे दो सिलेंड्रिकल शेप्स कंसिडर कर लें. ठीक है, सबसे पहले अगर इस सिलेंडर की बात करें तो इसको हम नाम दे देते हैं स्पेसिफिकली, दिस इज ए बी. इस रीजन में से मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है. अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इस रीजन में चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ का जो रीजन होगा यहाँ पे क्या सेट हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगी. अब जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन से बाहर निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है हर जगह पे एरिया एक जैसा नहीं है. तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इस रीजन से बाहर इमर्ज आउट होगी तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ये जो सीडी सिलेंडर है इसके आउटर रीजन के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड में आगे से आगे जो चेंजेस प्रोड्यूस होंगे वो क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने की वजह से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और ये फिनोमिना चलता रहेगा. और इस तरह से हमारी जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे से आगे प्रोसीड करेंगी. तो आई थिंक अब आपको पता चला होगा कि वाई वी कॉल देम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकॉज वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोसीड जो है वो कर रही होती हैं. यहाँ पे हम इसकी एक और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं. सपोज देर आर थ्री एक्सिस, एक एक्सिस के अलॉन्ग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, ठीक है, और दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग हमने मैग्नेटिक फील्ड लिए. यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है. और ये एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, इसके अलॉन्ग हमने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लिए, जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिए एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लिए. तो यहाँ देख सकते हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या प्रोड्यूस करवा रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करवाएगी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्रोसेस आगे से आगे जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा. तो इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सन से हम तक आ रही होती हैं उसका एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी, ठीक है. तो अगर उसके स्पेक्ट्रम को हम थोड़ा सा गो थ्रू करें तो सबसे जो एनर्जेटिक वेव्स होती हैं हमारे पास वो होती हैं उसमें गामा रेस. गामा रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और इनकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है. देन आती हैं हमारे पास एक्स रेस, इनकी एनर्जी इससे कम होती है और वेवलेंथ थोड़ी सी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है. देन हमारे पास जो आती हैं यूवी रेस, यूवी रेस की एनर्जी इनसे बहुत कम होती है लेकिन वेवलेंथ इनसे ज़्यादा होती है काफ़ी हद तक. उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती है विजिबल रीजन, यानी वो स्पेक्ट्रम का रीजन जिसको हम उस लाइट को देख सकते हैं. इसकी एनर्जी भी कॉरेस्पॉन्डिंगली गामा रेस की बहुत ज़्यादा कम होती है लेकिन वेवलेंथ काफ़ी अच्छी होती है. फिर आती हैं आईआर रेस, आईआर रेस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है लेकिन वेवलेंथ काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गई होती है. देन माइक्रोवेव्स, और लास्ट पे आती हैं हमारे पास रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी ये है कि इनकी एनर्जी सबसे कम होती है और इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है. तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था.